दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। बराटक आपका पहला पार्ट हमने किया था, आज हम दूसरा पार्ट करेंगे। नए साल का ये पहला वीडियो है, इसीलिए आप सभी को मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक बधाई हो। दोस्तों, बराटक आप एक अल्कलाइन है जो पॉइजनस है, और अगर इसको इंटरनली लिया जाए या पेट में चला जाइए तो ये वहाँ के मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से या तो उल्टी हो सकती है या जुलाब हो सकता है। अगर बेरियम सॉल्ट को इंट्रावेनियस दे दिया जाए तो ये और भी घातक हो जाता है। ये स्पाज़म पैदा करता है वेंस में, कार्डियक मसल में, हार्ट के एक्शन को एक्सलरेट करता है, तेज करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, और अगर इसे रोका नहीं गया तो ये नर्वस सिस्टम पे इसका एक्शन होता है और लास्ट में पेशेंट को पैरालिसिस हो जाता है। सो क्रूड फॉर्म में बराइटा का या बेरियम कार्बोनेट टॉक्सिक है, जहरीला है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बराइटा का किस तरीके से मेंटली बौना होता है। आज हम देखेंगे कि बराइटा का फिजिकली भी बौना होता है, फिजिकली भी ड्वार्फ होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि फिजिकली वो पेट से ड्वार्फ ही पैदा हो। ऐसा भी होता है कि वो बचपन से ही ड्वार्फ हो, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन हैं जहां वो ये ड्वार्फिज्म बाद में पैदा होता है, ये बौनापन बाद में होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पेशेंट को मलेरिया हो जाए, मम्स हो जाए, मीसल्स हो जाए या स्कारलेट फीवर हो जाए, तो इन बीमारियों के बाद बराइटा का पेशेंट पे इसका साइड इफेक्ट होता है। अचानक बराइटा का पेशेंट का मस्कुलर एट्रॉफी होने लगता है, मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं, छोटी होने लगती हैं। जैसे अगर इतना मोटा हाथ है तो वो सिकुड़ता जाएगा, गले गले की मांसपेशियां सिकुड़ती जाएंगी, पैर की मांसपेशियां सिकुड़ती जाएंगी, सब नैरो होते जाते हैं, लेकिन पेट उसका पेट का साइज बढ़ता जाता है। एक अच्छा खासा लड़का जो इन बीमारियों को पहले हेल्दी था, अचानक ये बीमारी होने के बाद ये सारी चीजें होने लगती हैं, और उस बराइटा का पेशेंट का ग्रोथ वहीं रुक जाता है। तो यहां पे हमें दोनों चीज देखने को मिलती है, ड्वार्फिज्म भी एज वेल एज मैरेस्मस यानी सुखंडी भी। तो बराइटा का ये दोनों जगह काम आती है यहां पे। दूसरा है बराइटा का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम, प्री मैच्योर ओल्ड एज यानी समय से पहले वृद्धा अवस्था का आ जाना। अब समझिए, बराइटा का आपका पेशेंट यंग एज में पहुंच गया है या युवा अवस्था में पहुंच गया है, अचानक उसकी जिंदगी में कोई तनाव आ गया, ये ऐसी सिचुएशन पैदा होते हैं। पर ये सिर्फ बराइटा का पेशेंट के लिए बता रहा हूं मैं। या कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसकी वजह से बराइटा का पेशेंट को बहुत ज्यादा मेंटल एक्सर्शन करना पड़ रहा हो, दिमाग ज्यादा लगाना पड़ रहा हो, या फिजिकल एक्सर्शन ज्यादा करना पड़ रहा हो, दोनों, तो ऐसी अवस्था में बराइटा का पेशेंट में हम प्री मैच्योर ओल्ड एज देखते हैं। बराइटा का पेशेंट के बाल झड़ने लगते हैं, सर की जो स्किन होती है बड़ी सेंसिटिव हो जाती है टच करने पे, जो चेहरा होता है वो सूखापन आने लगता है, चेहरे में ड्राई हो जाती है, वहां की स्किन रफ हो जाती है, और
और ये ड्राइनेस और रफनेस ऐसे रहता है कि पेशेंट को ऐसे फील होता है कि मेरे चेहरे पे मकड़ी का जाला है, वो कभी कभी हाथ फेरता है ऐसे। इस तरह का प्रीमैच्योर ओल्ड एज देखने में आता है, पर ये सिर्फ शरीर तक, ये चेहरे तक ही सीमित नहीं होता। मेंटल और फिजिकल तनाव की वजह से इसके सेक्सुअल ऑर्गन पे भी इसका इफेक्ट होता है। इसके सेक्सुअल ऑर्गन बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं, इनका डिजायर ही खत्म हो जाता है, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं सेक्सुअल ऑर्गन विथ ऑलमोस्ट नो डिजायर, अ शॉर्ट ऑफ इम्पोटेंसी या नपुंसकता आप कह सकते हैं। इनके टेस्टिकल्स के साइज छोटे हो जाते हैं, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है। सो इस तरह का प्री मैच्योर ओल्ड एज बराइटा का पेशेंट में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आते हैं हम ग्लैंड्स पे। बराइटा का पेशेंट के जो ग्लैंड्स होते हैं वो उनमें अक्सर स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि बराइटा का बड़ा स्ट्रांग एफिनिटी है ग्लैंड्स की तरफ। जितने ग्लैंड्स होते हैं, जैसे यहाँ के ग्लैंड्स है, लिम्फेटिक ग्लैंड्स है, पेट में जो ग्लैंड्स है, लिम्फेटिक ग्लैंड या पैरोटिड ग्लैंड है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड है, जहाँ जहाँ बॉडी में ग्लैंड्स हैं वो सब स्वेल हो जाते हैं, साइज में बढ़ जाते हैं, फूल जाते हैं, उनमें हार्डनेस आ जाती है। तो बराइटा का पेशेंट जो मैरेस्मस फेज में आता है या सुखंडी में आता है, तो आप देखोगे कि यहाँ के ग्लैंड्स, लिम्फेटिक ग्लैंड्स ऐसे चेन नुमा बने होते हैं। ये आपको मैरेस्मस में देखने को मिलेगा, या टॉन्सिल के पेशेंट में भी कभी कभी देखने को मिलता है। और जब कभी भी आप देखें कि ग्लैंड्स में स्वेलिंग है, हार्डनेस है, तो बराइटा का आपको मत भूलना। अगर बराइटा का पेशेंट को कहीं खुला जख्म है, समझो अल्सर है, तो ये हार्डनेस जो मैंने ग्लैंड पे बताया है, ये हार्डनेस सिर्फ ग्लैंड में नहीं होता, उस अल्सर यानी खुले जख्म की जो दीवारें होती हैं उनमें भी हार्डनेस आपको देखने को मिलता है। जैसे अल्सर काफी दिनों से खुला है, तो उसके अल्सर को आप टच करेंगे ना, तो वो दीवारें काफी हार्ड हो जाती हैं। ये हार्डनेस आपको बराइटा काब में देखने को मिलेगा। इसके बाद हम आते हैं एक और सिम्टम पे, जो बराइटा काब का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है, वो है एग्रेवेशन फ्रॉम कोल्ड। जब कभी भी बराइटा का पेशेंट को ठंड लगती है, या वो ठंडी हवा में जाता है, या फिर नमी और ठंडी वाली जगह पे जाता है, तो वो बीमार पड़ जाता है। उसके ग्लैंड्स जिनमें हार्डनेस और स्वेलिंग थी, वो अचानक टेंडर हो जाते हैं, छूने से तकलीफ होती है। जैसे ये ग्लैंड्स है, बढ़े हुए रहते ही हैं बराइटा गांठ के, अगर वो ठंडा में चला गया तो बढ़े हुए गांठ, पहले जो दर्द नहीं था, अब उसको छुएंगे तो दर्द होने लगता है। सो दैट सॉर्ट ऑफ टेंडरनेस, वो टेंडरनेस आ जाता है उसमें, उसमें कंजेशन आ जाता है। अभी जैसे क्लिनिक में आप बैठे हैं और कोई कोई औरत अपने बच्चे को लाती है और कहती है कि ये थोड़ा बाहर ठंडे में खेलने गया और इसके टॉन्सिल्स बढ़ गए, इसके सर्वाइकल ग्लैंड बढ़ गए, यहाँ के लिम्फेटिक ग्लैंड्स। तो दोस्तों, ठंड लगने से ना इसके जितने ग्लैंड्स हैं, चाहे वो पैरोटिड ग्लैंड हो या टॉन्सिल्स हो, टॉन्सिल की बहुत अच्छी दवा है बराइटा का। ठंड लगने की वजह से टॉन्सिल का बढ़ जाना, उसको बराइटा का बहुत अच्छे से निकालता है। जब आप उसका चेक करेंगे, माउथ खोलेंगे, तो टॉन्सिल्स के साइज बढ़े हुए रहते हैं, और
कभी कभी तो टॉन्सिल पक भी जाते हैं, उसमें छोटे छोटे क्विंजी, बटाटा कार्प क्विंजी की भी बहुत अच्छी दवा है, टॉन्सिल्स पे अल्सरेशंस हो जाते हैं, पेशेंट निकल नहीं पाता ठीक से पानी, एक दो बार निकलने के बाद तब वो धीरे धीरे निकलना उसके लिए राहत होता है, लेकिन स्टार्ट में दो तीन बार वो निकल ही नहीं पाता। इस तरह का इन्फ्लेमेशन टेंडरनेस बराटा काब में होता है, चाहे वो पेरोटिड ग्लैंड ही क्यों ना हो, ठंड लगी बढ़ गया। दोस्तों जब कभी भी आपके क्लिनिक में पेशेंट आए और उसके पेरेंट्स बताएं कि मेरे बच्चे को बार 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 टॉन्सिल्स होते हैं, तो बराइटक आपको कभी मत भूलना, इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर रिकरेंट टॉन्सिल्स, इसको कभी नजरअंदाजी मत करना। लेकिन जो बाकी के लक्षण मैं बताया है उनको जरूर देख ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बराइटा का पेशेंट को हेड में मॉइस्ट इरप्शंस होते हैं और कान के पीछे मॉइस्चर रहता है, और इस मॉइस्ट इरप्शन की वजह से बराइटा का पेशेंट के बाल झड़ जाते हैं। ये जो जगह होता है ना बराइटा काप का, बहुत इफेक्टेड होता है, या फिर ओटोरिया भी हो सकता है, कान से पीप निकालना या कान बंद हो जाना, कान से सुनाई कम देना, ये सारे लक्षण आपको बराइटा काप में मिलेंगे। दोस्तों पहले वीडियो में मैंने मेंटल्स बताया था, माइंड से रिलेटेड मानसिक लक्षण, इस वीडियो में मैंने आपको बताया फिजिकल लक्षण, ये दोनों को जोड़ लेना। अरे हाँ एक चीज बताना भूल गया मैं, इसकी मोडलिटी, बराइटा काम पेशेंट जब वो अकेला रहता है तब वो अच्छा महसूस करता है, या जब गर्म कपड़े से आपको अपने आप को ढक देता है तब वो अच्छा महसूस करता है, क्योंकि बराइटा का ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसके विपरीत इसकी तकलीफें बढ़ जाती है जब वो कंपनी में रहता है, कई लोग साथ में रहे, या पेशेंट अपनी बीमारियों के बारे में लगातार सोचता रहे तो उसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं, ठंडी हवा से इसकी तकलीफें बढ़ती हैं, नम वाले जो मौसम होते हैं वहां पर बराइटा काप की तकलीफें बढ़ जाती हैं, ठंड के विपरीत अगर डायरेक्ट सनरेज लगे, धूप लगे, सूरज की गर्मी लगे तो भी इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं, या स्टोव की गर्मी से भी इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं, खाना खाने के बाद भी इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बराइटा काप दवा देना, ऐसा कभी मत करना कि दो लक्षण मिले हैं बराइटा काप दे दिया, टॉन्सिल आए बराइटा काप दे दिया, आप फेल हो जाओगे दोस्तों, और ये सारा ब्लेम जाएगा होम्योपैथी को। सो फेल हम होंगे, मैं होऊंगा फेल, और ब्लेम जाएगा होम्योपैथी को, गॉट इट? सो होम्योपैथी ने जितने टूल्स दिए हैं इसका इस्तेमाल कीजिए, रिजल्ट जरूर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, पर रिकरेंट जो टॉन्सिल है, टॉन्सिल के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस पैदा करना है अगर, और वो बराइटा काप का पेशेंट है, तो बराइटा काप 200% का इस्तेमाल करिएगा, एक डोज देके रुक जाइए, फटाफट डोज मत दीजिए माय डियर, एक डोज दीजिए, ठहर जाइए, लेट द चेंजेस ऑकर इन योर बॉडी, धीरे धीरे आपके बदन में, आपके शरीर में, आपके दिमाग में बदलाव आएगा और ये टॉन्सिल का कंप्लेन परमानेंटली निकल जाएगा। दोस्तों बराइटा काप के फिजिकल लक्षण से रिलेटेड अगर कोई आपका सवाल है
तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। अगर कोई सुझाव है तो जरूर दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू।